पहले मैंने पढ़ाया था लेकिन आप लोग नहीं थे तो मैंने कहा रिपीट कर दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, एक्सप्लेन वर्किंग विद डायग्राम। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसकी वर्किंग को बताएं डायग्राम के साथ। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताएं। स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखें। All computers in star topology are connected with central device called hub. Star तमाम कंप्यूटर star topology के अंदर जुड़े हुए होते हैं, connected होते हैं central device के साथ, जिस device को हब कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। के जो स्टार टोपोलॉजी है अमूमी तौर पर ज्यादातर इस्तेमाल होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर। वर्किंग ऑफ स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क की वर्किंग किस तरह होती है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डेटा टू द हब। के भेजने वाला कंप्यूटर सबसे पहले डेटा किसको भेजता है, हब को। द हब सेंड डेटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर, और हब उस कंप्यूटर को डेटा भेजेगी जिसके लिए वो डेटा आया था। यानी कि अगर P1 ने डेटा भेजना है P3 को, तो वो पहले P1 डेटा हब को भेजेगा और हब P3 को भेजेगी। कहीं पर भी कोई भी कम्युनिकेशन होनी है, डेटा ट्रांसफर होना है, वो हब से होकर जाएगा, हब के जरिए ट्रांसफर हो। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अ सेंट्रल हब। सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं स्टार नेटवर्क के अंदर, वो सेंट्रल हब के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इट इज ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। एडवांटेजेस देखें, इट इज ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। इसको आसानी से मेंटेन भी किया जा सकता है और नेटवर्क को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज देखें, एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। नया कंप्यूटर को ऐड करना या पुराने को रिमूव करना, ठीक है, आसानी से किया जा सकता है बगैर डिस्टर्ब किए नेटवर्क को। फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल। कि अगर कोई फॉल्ट आ गया है तो उसको ढूंढना बहुत आसान है। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर स्टार नेटवर्क के अंदर खराब हो जाए तो वो सारे के सारे नेटवर्क पर कोई असर नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। इट इज मोर फ्लेक्सीबल देन अदर टोपोलॉजी। बाकी टोपोलॉजी से काफी फ्लेक्सीबल। जबकि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इफ सेंट्रल हब फेल द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। अगर हब खराब हो जाएगी तो सारे का सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। इट रिक्वायर्ड लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इसके लिए बड़ी केबल की तार चाहिए सारे कंप्यूटर को जोड़ने। इट इज मोर, ये महंगा नेटवर्क। अब ये पूरी एक स्टार टोपोलॉजी, उसकी डेफिनेशन, वर्किंग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसको एक बार अच्छे से रीड कर ले, कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले मेरा बेटा।
हाँ जी, कोई इशू तो नहीं है? हाँ नो सर, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है। सर, हसीब नजीर क्लियर है, नूर आपको क्लियर है, चलें जी नेक्स्ट देखें। हाँ जी, इसके बाद है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ, अगले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होगा, विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर, के आखिरी जो होता है वो पहले के साथ जुड़ा हुआ होगा, एंड दैट रिंग इज फॉर्म्ड, और इस तरह एक रिंग बनेगा जिस तरह ये आपके पास ऊपर डायग्राम के अंदर आपको भी नजर आएगा। ये देखिए रिंग बना हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा चौथे, और चौथा पहले। अब इसकी वर्किंग देखें जी, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन आ रिंग, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ, अगले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है रिंग के जरिए। ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर, हर कंप्यूटर पिछले कंप्यूटर से मैसेज लेगा एंड ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, और अगले कंप्यूटर को वो दे देगा। द मैसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, मैसेज एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। द मैसेज इज पास्ड अराउंड द रिंग अंटिल इट रीचेस द करेक्ट डेस्टिनेशन। जो मैसेज है वो पास किया जाएगा रिंग के जरिए उस टाइम तक जब तक वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। एडवांटेजेस देखिए जी, लेस एक्सपेंसिव होता है स्टार टोपोलॉजी से, एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, तमाम कंप्यूटर की एक्सेस होती है नेटवर्क पर। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन इफेक्ट द होल नेटवर्क, सारे नेटवर्क पर इफेक्ट करता है अगर एक फेल हो जाए कंप्यूटर। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, ट्रबल शूट कहते हैं प्रॉब्लम को निकालने को, प्रॉब्लम को ढूंढना, तो ट्रबल शूट करना जरा मुश्किल है, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। अच्छा जी, एडिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क, और ऐड और रिमूव करने से कंप्यूटर के ऊपर सारे जो जो नेटवर्क है वो सारे नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, इसको जरा रीड कर लें, वर्किंग ऑफ रिंग नेटवर्क एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। हाँ
अगर रिंग टोपोलॉजी में इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर आप भी कोई सवाल है तो बताएं मुझे। ठीक हाँ जी, कोई तो नहीं है इस टोपोलॉजी के अंदर। नो सर, कोई इश्यू नहीं, क्लियर है सर चलेंगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। अब ये जो ट्री टोपोलॉजी है, ये कॉम्बिनेशन है दो टोपोलॉजीज का, बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी। अ ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार टोपोलॉजी मिलकर ट्री टोपोलॉजी बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड इन स्टार नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी। ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के, जो कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर बनाए जाते हैं। द ग्रुप आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। और जो ग्रुप है नेटवर्क के छोटे छोटे, ये बैकबोन केबल जो कि बस नुमा है, इसके अनुसार अटैच किए जाते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज यूज फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ट्री टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। अब इसकी डायग्राम में अगर आप देखें ना, ये देखें जरा कि ये बैकबोन है, दरमियान में जो केबल लगी हुई है ये बैकबोन केबल है बस टोपोलॉजी की तरह। और ये जो हर एक टहनी शाखें बनाई हुई हैं, और हर शाख पे दो कंप्यूटर लगे हुए हैं, और तीसरी डिवाइस हब लगाई हुई है या स्विच लगाई हुई है, तो ये स्टार की तरह है और बैकबोन बस की तरह है। तो ये दोनों मिलके ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं।
अच्छा जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये 2 मिनट का गैप आ गया। अच्छा, एडवांटेजेस देखें ट्री टोपोलॉजी के। इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। ये देती है पॉइंट टू पॉइंट के, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये हर एक कंप्यूटर हब के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग कहते हैं। और इट सपोर्ट सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर, और ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सपोर्ट करती है। डिसएडवांटेज जबकि क्या है इसके, ओवरऑल लेंथ ऑफ द सेगमेंट लिमिटेड बाय टाइप ऑफ केबल यूज। जो लेंथ की सेगमेंट है वो बड़ी लिमिटेड की होती है, जिस टाइप की केबल यूज कर रहे हैं आप। इफ बैकबोन लाइन ब्रेक एंटायर सेगमेंट गोज डाउन, अगर बैकबोन खराब हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा सारा नेट। इट मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर वायर अदर टोपोलॉजी, इसको कन्फिगर करना, इसको चलाना जरा मुश्किल काम। ठीक है जी, इसको जरा पढ़ें और इसमें से बताएं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ट्री टोपोलॉजी में?